मोहाली दे मीडिये दा, प्रिंट मीडिये दा, इलेक्ट्रॉनिक दा, सोशल मीडिये दा स्वागत करदे हां। छोटे जे सद्दे ते तुसीं अज इत्थे बहुत भारी गिणती च पहुंचे हो। सब तो पहला तुहाडे जरिए मैं चंडीगढ़ दे सूझवान वोटरां दा बहुत धन्नवाद करना चाहना, जिन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ रही आम आदमी पार्टी नू भारी गिणती दे विच वोटां पा के सब तो वड्डी पार्टी बनाया। जबकि सामने बीजेपी दे दिग्गज सीगे, मेयर भी बीजेपी दा सी, गवर्नर साहब जिहड़े के चंडीगढ़ दे प्रशासक हुंदे ने ओह भी बीजेपी दे ने, उपर सेंटर दे विच मोदी साहब बीजेपी तो ने। इहदे बावजूद भी मेयर साहब भी हारे, खुद डिप्टी मेयर भी हारे और महिला विंग दे प्रधान भी हारे। तो इत्थों इह सिद्ध हुंदा है कि लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे ने, लीडर वड्डे नहीं हुंदे, साबित करता चंडीगढ़ वालिया ने। अज मैं मुबारकां देनियां चाहुंदा साडी टीम नूं सारी नूं जिन्हां ने मेहनत कीती और पंजाब तां पहले ही मन बनाई बैठा है कि असीं इह रवायती पार्टियां तों दुखी हाँ। सिटी ब्यूटीफुल ने अज ये साबित करता कि लोग जिहड़े आ डिवेलपमेंट की राजनीति नूं पसंद करते हैं। चंडीगढ़ के लोगों को मैं बधाई दिंदा। अज एक ऐसी शख्सियत सानू ज्वाइन कर रही है, साडे परिवार दे विच आ रहे ने, जिन्होंने बहुत गरीबी चों उठ के मेहनत करके बहुत वड्डा मुकाम हासिल किया, समाज की सेवा दे विच भी वध चढ़ के हिस्सा लेंदे रहिंदे ने। जदों म्यूनसिपल कारपोरेशन सी चंडीगढ़ उदों 5 साल प्रधान भी रहे, उहदे उस तों बाद मेयर भी रहे मोहाली दे। मोहाली दी म्यूनसिपल कारपोरेशन दे प्रधान ते मोहाली दे मेयर रहे। कुलवंत सिंह जी तुसीं सारे जाणदे हो उहनां नूं, उह अपने सैकड़े साथियों समेत अज आम आदमी पार्टी दे परिवार दे विच शामिल हो रहे ने। राघव चड्डा जी साडे जिहड़े सह इंचार्ज ने पंजाब दे, असीं सारे आम आदमी पार्टी वल्लों उहनां दा बहुत बहुत स्वागत करदे हां। उहनां दे तजर्बे दा सानूं बहुत फायदा होऊगा क्योंकि मोहाली दे विच ओह दिग्गजां नाल लड़दे रहे ने जिहड़े अपने आप नूं बहुत वड्डे कहिंदे ने, ते मोहाली दे कल्ले कल्ले बूथ दा कल्ले कल्ले वोट दा उहनां नूं जानकारी है, समस्यावां दी जानकारी है। सो कुलवंत सिंह जी ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹੈ ये साबित कर देते हैं कि जीत आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की हुई है और चंडीगढ़ के वोटर्स ने एक आवाज में ये कहा कि एक मौका केजरीवाल को, एक मौका केजरीवाल नू। और चंडीगढ़ के नतीजे तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर है जो अभी बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के लोगों ने जैसे रिवायती पार्टियों से भाजपा कांग्रेस की मिली जुली भ्रष्ट
और निकम्मी सरकारों से परेशान होकर एक साफ सुथरी ईमानदार आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। उसी तर्ज पे पंजाब के लोग भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। जैसा कि मान साहब ने कहा, पंजाब के लोग तो पहले ही मूड बनाए बैठे हैं, और जहां पर ये देखा जाता है कि म्युनिसिपल चुनाव बहुत ही कम वोटों का चुनाव होता है, हार जीत 10-15 वोटों पे होती है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स 8-8 सौ, हजार 15-1500 वोट के मार्जिन से जीते हैं। पहली बार चंडीगढ़ म्युनिसिपल का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स इतने बड़े मार्जिन से जीते, ये दिखाता है कि चंडीगढ़ के लोगों ने वन साइडेड एक तरफा वोट अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को दिया है। चंडीगढ़ के वोटर्स का हम सभी धन्यवाद करते हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स का, वॉलंटियर्स का, लीडर्स का धन्यवाद करते हैं, और एक साफ ईमानदार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे जो चंडीगढ़ के लोगों ने मोहर लगाई है उसके लिए उनका बहुत बहुत सत्कार करते हैं। मैं शामिल कुलवंत जी वालम मैं करा आ जाओ कुलवंत जी ओके थैंक यू एक मिनट ली कुलवंत जी बात करेंगे आप एक मिनट कुलवंत जी अपने गल बात करेंगे तुम संबोधन कर बोल करता संबोधन बहुत हो गल मैं सब तो पहला ता आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी समुची टीम नू चंडीगढ़ म्युनिसिपल कारपोरेशन दे जो रिजल्ट आए ने उस रिजल्टां नू देखदे हुए बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। मैं समझदा हाँ कि ये जिहड़ा रिजल्ट आ, जिद्दां मान साहब ते चड्डा साहब ने कहा है भी ये केजरीवाल मॉडल आ, जिहड़ा दिल्ली मॉडल आ, ये उहदी जित है, ये इमानदार जिहड़ी गवर्नेंस उत्थे दित्ती गई उहदी जित है। ते मैं भी उस गवर्नेंस नू देख के अरविंद केजरीवाल जी दे कामकार नू दिल्ली दे विच देख के भी किदा उन्होंने सेहत और एजुकेशन और लोकां दीआं बुनियादी सहूलतां सी जिहड़ियां हर एक नागरिक का मुढ़ला हक बनता है वह उत्थे दिल्ली विच देण दी कोशिश कीती आ। मैं उस मॉडल नू देख के ये फैसला कीता कि मैं आम आदमी पार्टी दे विच जिहड़ी जा के सेवा करां, और मैनू इस गल का बड़ा माण आ, और मैं बहुत धन्यवादी हाँ इस गलों पार्टी प्रधान अरविंद केजरीवाल जी का, पंजाब के प्रधान भगवंत मान जी का, तो साढ़े सह प्रभारी चड्डा जी का, जिन्हां ने मैनू इत्थे आम आदमी पार्टी में शामिल हो के अपना एक सेवादार के तौर पर मैनू अपने नाल खड़ोण का मौका दिता है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। सवाल दिल्ली के 2013 के हालात है, जो पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन लड़ा तो बहुमत थोड़ा पिछे रह गई, उही हालात अज चंडीगढ़ के है, तो कांग्रेस ने सपोर्ट की, अज भी लग रहा है जो कांग्रेस नाल अज तक सरकार बन सकती है। हजे देखो मनीष सिसोदिया जी आ रहे ने, असी विचार वटांदरा मंथन करांगे, असी जिहड़े चंडीगढ़ दे लोक ने उन्हां दे हित दे विच कोई फैसला हजे करांगे, पर हजे इस टू अर्ली टू से कि असी कोई अलायंस करांगे जां कोई होर, पर हाँ हजे तां सिर्फ असी सर्टिफिकेट वगैरह लै रहे ने, साडे तां हजे मतलब मिले भी नहीं, असी उन्हां सारयां नूं तो उन्हां नूं मिल के उन्हां नाल भी विचार वटांदरे करांगे, ते हजे कोई इस तरह का फैसला होया नहीं गा। मान साहब, अगर आपका मेयर यहां पे बनता है तो चंडीगढ़ की जनता के लिए क्या कदम, पहला क्या कदम उठाएगा? वही जो राघव जी ने बताया कि जो दिल्ली में भी, दिल्ली एक सिटी है
चंडीगढ़ सिटी है, सिटी ब्यूटीफुल था, इसमें था लग गया, पहले नंबर पर था, आज 66वें नंबर पर आ गया, तो इसको दोबारा सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा और बुनियादी सहूलतें, कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच रहा, डड्डू माजरा में जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो जितना भी चंडीगढ़ की समस्याएं हैं उनको हम अच्छी गवर्नमेंट देंगे, अच्छे प्रशासन से हम चंडीगढ़ की नुहार बदलना चाहते हैं, तो इसीलिए शायद लोगों ने हम पर यकीन किया है कि इन्होंने दिल्ली में अगर कायापलट कर दिया चंडीगढ़ का भी करें। मान साहब, जड़ी नवी पार्टी कल दी सी के बनी है किसानों दी, क्योंकि पंजाब वाले मांग करते हैं, जेदा तुसी भी क्या भी असर पंजाब च पएगा, ये मोर्चा जेड़ा बड़ा किसानों दा, इनू कितना देखदे हो, ते आम आदमी पार्टी नाल क्या टाई है, क्योंकि आज चंडीगढ़ पे बोलो। देखो गल ये है, वैसे तो चंडीगढ़ दी बोलदे पर मैं तुहानू दस दिना, मैं पहले तो शुभकामनावां दिना उन्हां नू, हरेक नू हक है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वह अपनी पार्टी बना सकता है या आजाद लड़ सकता है। बाकी रही अलायंस वगैरह की गल, फिर मैं कहना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, साडा हजे किसे लेवल से भी कोई गल उन्हां नाल नहीं चल। देखिए बात बजट की नहीं होती है, बात नियत की होती है, जो सरकार चला रहा है उसकी नियत साफ हो तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। और आज लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट दिया है, वो एक ईमानदार मॉडल है, जो दिल्ली में हुआ वैसी ही डेवलपमेंट और साफ सुथरी एक्सेसिबल सरकार लोग चंडीगढ़ में भी चाहते हैं, तो उस साफ नियत पे और हमारे मैनिफेस्टो प्रोमिसेस पर अरविंद केजरीवाल जी की नाम पर लोगों ने वोट दिया है, एक मौका केजरीवाल को दिया है, चंडीगढ़ ने भी दिया है, पंजाब आगे देगा। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, किसान यूनियन ने भी अपना सीएम का कैंडिडेट है, अनाउंस कर दिया है, आम आदमी पार्टी का नहीं। मान साहब ने जवाब दिया, हमारे पार्टी प्रधान है पंजाब के, उन्होंने बात बताई कि किसी भी स्तर पे कोई भी बातचीत अभी नहीं चल रही है और उनको हमारी बेस्ट विशेज है। चंडीगढ़ की जनता को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से बिजली पानी फ्री हो जाएगा, हॉस्पिटल की सर्विसेज फ्री मिलेंगी, क्या ये सब? ये तो हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, पूरे हिंदुस्तान में बिजली मुफ्त करना, घर घर तक पानी पहुंचाना, पानी मुफ्त करना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, बढ़िया स्कूल अस्पताल बनाना, ये एक शख्स को आता है, अरविंद केजरीवाल। वही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब चंडीगढ़ में लागू करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और परमात्मा की मेहर रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जरूर करेंगे। और चंडीगढ़ में पहली बार आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार में ही लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद हमें दिया है, हम उनका सत्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका और मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। सरकार भी बनाएंगे पंजाब में, चिंता ना करें। चन्नी चिड़े सीएम ने वक्ती थावा जाते कल फुटबॉल क्रिकेट खेलते नजर आए और जाके कह रहे जी सरकार तो साड़ी बननी चाहिए है, तुहानू की लगता है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस भी हले डिसाइड नहीं कर पाई? तीजे नंबर से आई है चंडीगढ़ के कांग्रेस, जिथे चन्नी होरां दी कोठियां ने, जिथे मंत्री रहिंदे ने वह सब हार गए, दिल्ली दे विच जीरो है, 15 च भी ते 20 च भी। हाँ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए उन्होंने फुटबॉल खेलने की, हाकी खेलने की, क्योंकि इस बाद 5 साल वेले ही ने। एक मिनट साढ़े नाल दमनप्रीत जी हैं, ये बीजेपी के मेयर को हरा कर आए हैं, दमनप्रीत जी का बहुत बहुत बधाइयां हैं नानू, बहुत बहुत बधाइयां। देख ले ये बीजेपी के मेयर को पटकनी देके हरा के